लॉकडाउन 3.0। सुबह उठते ही ना यार गर्म पानी पी लिया करो, ये एक्चुअल में अभी हैबिट में ही डाल दो। तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक आपको गर्म पानी पीने का हैबिट डालना ही पड़ेगा। प्लस उसके बाद में भी जब सब कुछ ठीक भी हो जाता है ना, तब भी एटलीस्ट 6 मंथ तक नहीं पसंद है। आई नो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग जैसा फील होता है, बट स्टिल हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग गर्म पानी। सो वैसे आज हमारा प्लान है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना। घर का सारा जो है राशन एक ही बार लाया जाता है, तो हम जा रहे हैं वो चीज़ लेने के लिए। अभी जस्ट चेक कि कब तक ओपन रहता है जहाँ से मुझे खरीदना है, तो मैं एक बार कॉल करके चेक कर लेती हूँ, वरना इतनी मेहनत बाहर निकलने की जो है वेस्ट हो जाएगी। चाय पी रहे हैं हम भैया, चाय के बिना जिंदगी अधूरी है सच में। कितने बार पता है ट्राई करती हूँ मैं कि मैं चाय छोड़ दूँ, मन को मना लेती हूँ, बट आई डोंट नो, आई लैंड अप ऑन हैविंग टी। आई नो आप लोग घर में चाय के एकदम कप में चाय पीते होंगे, हम लोग ऐसे वाले इसमें चाय पीते हैं, बिकॉज हमारे घर में जितने भी कांच के बर्तन आते हैं तो वो हमारे घर में एक महारानी है, वो तोड़ ही देती है, तो इसलिए लाना ही छोड़ दिया है। चुपचाप इसी में चाय पियो, इसी में पानी पियो, सब कुछ इसी में करो। वैसे आज सैटरडे है और आज हमारी छुट्टी नहीं है, लेकिन छुट्टी लेनी पड़ी बिकॉज यहाँ पे हालात कुछ ऐसे हो रखे हैं। संडे को आप जा नहीं सकते हो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, आधी चीजें बंद रहती है, प्लस इतना ज्यादा रश रहता है ना वहाँ पे, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड अदर डेज वो मॉर्निंग में रहता है 10 to 1 ही चीजें खुली हुई रहती है। यहाँ पे गोकुलधाम की बात कर रही हूँ, मुझे बाकी जगह का कुछ आइडिया नहीं है कि आप लोग के यहाँ पे क्या सिनारियो है। चेंजेस रोल आउट हुआ है कि एक रेड जोन में कुछ भी चालू नहीं रहेगा, स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। ऑरेंज जोन में कुछ चीजें चालू रहेंगी, और हमारा ग्रीन जोन भाई सब कुछ चालू रहेगा, सब कुछ बराबर से हो रखा है। जैसे कि गोवा में कुछ कोई भी केसेस नहीं है, सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है। आई विश मैं गोवा में होती यार। ये ग्रोसरी वाले को कॉल करके चेक करते हैं कि ओपन है या नहीं है, निकल के बाहर रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे आई होप गाइस आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा। हेलो लोग फटाफट निकलते हैं बाहर, देखते हैं कैसा है बाहर का नजारा। मेरी जिंदगी हाय बोलो, कुत्ता पालो, छिपकली पालो, लेकिन बिल्ली मत पालो। आई होप आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा। 3 घंटे की एडिटिंग थी भाई, वो फटाफट मैंने रात में एडिटिंग कर ली थी, बिकॉज पता नहीं क्यों मेरे से दिन में ना एडिटिंग होती ही नहीं है। निकलते हैं, ऐसे कुछ बर्तन जो है क्लीन करके रखा हुआ है, अब इसमें सारा सामान जो है जाएगा। इस तरीके से खाली है हमारा घर, इसलिए हमें बाहर निकल के शॉपिंग करनी पड़ रही है। तो हमने सोपी वाटर की भी तैयारी कर ली है। इस वाले में हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे। घर का ध्यान रखना ठीक है, और कुछ भी करना मत गंदी चीजें, समझा बिल्ले, समझा। सुबह निकल चुकी हूँ मैं ग्रोसरीज के लिए। ओ तेरी, हमारा गेट क्लोज है। आशु गई है वहाँ पे पूछने के लिए कि कब तक गेट बंद रहेगा, खुलेगा भी या नहीं। तुमने बिल्डिंग के चक्कर काट लिए है, वॉचमैन को ढूंढ रहे ताकि वो चाबी दे सके और हम लोग बाहर निकल सके। एक्चुअली याद ही नहीं रहा कि गेट जो है 12 बजे बंद हो जाता है। एंड नाउ अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आप जो है चाबी ले सकते हैं, देन ओपन कर सकते हैं, वापस से बंद करके उसको देना पड़ता है। अब देखते हैं, हमारा वॉचमैन फिलहाल उसको यहाँ पे रुकाया है यहीं पे बिल्डिंग में, ताकि कुछ भी इमरजेंसी हो प्लस वो बाहर ना जाए, बिकॉज वो भी अगर बाहर अंदर करेगा तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द एंटायर बिल्डिंग। आशु ले रही है यहाँ पे हैंड ग्लव्स। आशु को बोल रही हूँ मैं कि टिश्यू पेपर ले ले, तो मैडम बोलती है मैसूर पाक। मतलब मेडिकल में मैसूर पाक मिलता है क्या? दिमाग ना गया इसका दिमाग एकदम बैगन जैसा। पहुँच गए हम लोग यहाँ पे ग्रोसरी शॉप के यहाँ पे, और लाइन में खड़े हैं। पहचान कौन, लाइन वैसे ज़्यादा दिख नहीं रही है, शायद आगे हमारे 3-4 लोग होंगे, बट स्टिल हम लोग को हाफ एन आवर तो जाएगा ही। आशु देख क्या कितनी लाइन है, 10-12 लोग। क्या बात कर रही है, हाँ। तो बोल रही है 10-12 लोग है, देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है। वो फोल्डिंग वाला चेयर लेके आना चाहिए यार, जहाँ पे भी खड़े रहो ना बैठ जाओ। इस बार जरूर खाई चाइना नहीं चाहिए मुझे।
फटाफट करने बोल रहे हैं ताकि शॉप जो है जल्दी से बंद कर सके ये लोग। ले लिया है भाई सामान, हम लोग जा रहे हैं घर पे। सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि चीज़ें सारी वही ली है, तो पता नहीं बिल क्यों बढ़ के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ों पे ज़्यादा अभी टैक्सेस लगने लगे हैं या प्राइजेस ज़्यादा हो गए, गॉड नोज व्हाट इट इज़। बहुत भारी वाला वज़न है मेरे हाथ में, तो घर पे जाती हूँ मैं। 2 मिनट का स्टॉप लिया, बहुत ज़्यादा वज़न है। ये लोग डिलीवरी नहीं कर रहे ना, इसलिए ये सब मगजमारी करनी पड़ रही है। बता दो कि ये चाबी देने के लिए यू रियली नीड अ वेरी गुड स्टैमिना इतना वज़न उठाने के लिए। माय गॉड, हालत हो रखी है, ऐसा लग रहा है मैंने पूरे पसीने में जो है नहा लिया है। बाथ वाथ ले लिया है, आशु अंदर बैठ के सारे जितने भी आइटम्स हैं उनको क्लीन कर रही है। मैं फटाफट सारे चीज़ों को जो है डब्बों में डालती हूँ। ऐसे चावल ले लेके हम गुजारा करते हैं। गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को, गरीब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। एक्चुअली हम लोग चावल ना ज़्यादा खाते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लिया हुआ है। कोई गरीब वरीब नहीं है, ऐसे सब सिंपथी हम नहीं करते। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें लिए और एकदम यूजफुल वाली चीज़ें लिए, बट स्टिल इतना ज़्यादा प्राइस पता नहीं कैसे हो गया है, प्राइसेस बढ़ गए हैं या क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें मैंने लिए, ऐसा भी नहीं कि मेरा राशन बहुत ज़्यादा एकदम खाने पीने वाले ऐसा टाइप का होता है। इट्स वेरी बेसिक थिंग विच आई गेट इट, आई डोंट नो। अभी गर्मियाँ चल रही है तो टैन ज़रूर अपने ग्रोसरीज में ऐड करना, बिकॉज बहुत अच्छा फ्लेवर भी रहता है एंड इट्स क्वाइट एनर्जेटिक। गया भाई सब क्लीन व्लीन करके, ले तो लेते राशन फटाफट, लेकिन क्लीनिंग में ना वाट लग जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने खाना वाना कुछ खाया नहीं है। 4:15 बज चुके हैं और अभी तक हमारा खाना बना नहीं है, ना पेट में खाना गया है। और सुबह में मॉर्निंग में भी हम लोग बिना ब्रेकफास्ट के निकल गए थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश रहता है वो सोच के, और जल्दी हो जाएगा वो सोच के। लेकिन एट द एंड वही 3 घंटे 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो अभी बहुत स्पेशल खाना बन रहा है हमारा, तो बनता है तो बताती हूँ क्या बनाया है। आप लोग भी अगर कभी फटाफट में कुछ है नहीं खाने के लिए तो ऐसा बना सकते हो, एकदम स्पेशल खाना है। आशु का फेवरेट खाना है वो। मेरा फेवरेट बिरयानी है। जो भी नहीं बन सकता है, बिरयानी खिचड़ी जैसा बनाती है ये। नहीं, बहुत अच्छा बनाती है ये। बोल रही है कैंसल ये डालना मत। अरे बहुत अच्छा बनाती है, इतना तो तेरे को सर पे चढ़ा दी थी मैं उस दिन, शेफ शेफ बोल बोल के। लोगों को भी लगेगा कि सच में तू शेफ है करके। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जितना हो सके पानी से भरा हुआ फ्रूट खाना, जैसे वाटरमेलन, जितने भी मेलन है सब खा जाओ। एकदम लालम लाल वाला वाटरमेलन है निंजा कार्ट से। सिर्फ फ्रूट्स मंगा के देखते एक बार, बहुत से उसको सुपर डुपर भूख लगी है, वो भी चटनी बना रही है, मैंने चावल बनाया था। ओ प्लीज, मैंने कितना सारा काम किया पता है ना अभी तुझे, इतना सारा सब क्लीन करके उनको डब्बे में रखना बहुत बड़ी बात होती है। चीज आप लोगों से शेयर करनी थी, अगर आप लोग ना वेजिटेबल्स, मुझे भी कल ही पता चली है न्यूज में, न्यूज देखते देखते, ज्यादा भी न्यूज मत देखो दिमाग पे बड़ा असर करता है, बट हाँ दिन में थोड़ा सा 10-15 मिनट्स के लिए ना न्यूज जरूर देखना। उसमें ये बताया गया था अगर आप लोग वेजिटेबल्स लाते हो ना तो उसको वॉश कैसे करेंगे, बिकॉज सुनने में ऐसे आया है कि जो एक वेजिटेबल वाले जो थे जो पोटैटो बेचते थे उनको वो था, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज ऑब्वियसली वेजिटेबल्स हम लोग खरीद के लाते हैं, अब जो बेच रहा है उसको क्या है क्या नहीं हमें कुछ आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा वेजिटेबल्स को ला के घर में जो है बेकिंग सोडा जो होता है उस वो डाल दो पानी के बकेट में, और उसमें वेजिटेबल्स आपके वॉश करो, या तो फिर आप लेमन वाटर में भी उसको धो सकते हो, या फिर वेनेगर अगर आपके पास में है तो आप वेनेगर में भी आपके वेजिटेबल्स जो है वो वॉश कर सकते हो। तो वेनेगर जो है बहुत सस्ता मिलता है, ये हम लोगों ने कुछ 30 रुपीज का लाया है, तो इतना बड़ा बॉटल। डू ट्राई दिस, जब भी घर में कुछ भी चीजें लाओ अच्छे से वॉश जरूर करना। हमको मिनिमम 1 घंटा लग गया ये ग्रोसरीज वॉश करने में। थैंक गॉड की ग्रोसरीज जो है हम महीने में एक ही बार लाते हैं, थैंक गॉड।
इंसान भूखा होता है तो कुछ भी बड़बड़ करता है, मतलब उसको खुद को पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है, बट वो बस बकवास करते रहता है। मेरे म्याऊ की जिंदगी बड़ी मस्त है यार, एकदम देखो कैसे मेरा स्पेशल खाना जो है वो रेडी है, देखना चाहोगे? टोमेटो की चटनी और राइस, तो ये हमारा स्पेशल खाना जो फटाफट बन जाता है। हैव दिस बीट रूट जो कि आजकल मैं खाने लग गई हूँ एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। खा लिया भाई खाना, अभी हम पी रहे अमूल का मस्ती मसाला छाछ। तो काफी टाइम से जब से लॉकडाउन हो रखा है ना तब से बड़ा मन कर रहा था कि छाछ पिया जाए, गुड इन टेस्ट। खजूर भी खा लिया है। अरे मीठा खाना चाहिए ना, मतलब लोग डेजर्ट खाते हैं, स्वीट खाते हैं, हम लोग खजूर खाते हैं। खजूर इज गुड फॉर हेल्थ। यस, खजूर इज गुड फॉर हेल्थ। रोज सुबह एक खाना चाहिए खजूर। ये दो दिन से मैंने दोनों चीजें एक्सपीरियंस की है, एक ऑनलाइन शॉपिंग और एक खुद जाके ग्रोसरी से चीजें उठाना। क्या है बे, खजूर का दाना फेंक के मारती है मेरे को। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये प्रॉब्लम है कि जो चीजें हमें चाहिए होती है ना वो मिलती नहीं है कभी कभी, तो कुछ कुछ चीजें जो है आउट ऑफ स्टॉक रहती है। कोई ऐसा है जो अपनी सैलरी जो है वो मंथ के हिसाब से मैनेज करता है तो वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऑनलाइन से परचेस नहीं कर सकता, बिकॉज ऑनलाइन में ना ज्यादा करके सारे बड़े बड़े पैक्स के चीजें ही मिलती है, ऐसे छोटे मोटे चीजें नहीं मिलती कि एक महीना भर चल जाए, तो उसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा जाता है। इसीलिए वैसे टाइप के लोग महीने में एक बार जो है ग्रोसरी जाके वहां से चीजें ले तो चलता है, बिकॉज वहाँ पे भी ऑफर्स वगैरह तो रहते ही है, इसमें जो है डिलीवरी का झंझट नहीं होता है, तो इट इज गुड। वेजिटेबल्स के लिए निंजा कट इज बेस्ट विच आई हैव एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना, तो दैट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। बाकी ग्रोसरीज के लिए आई वुड सजेस्ट कि शॉप पे जाना ही बेटर हो सकता है। मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग अभी तक नहीं की है, सो आई सीरियसली डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, बट आई विल चेकआउट। मैंने किया भी है चेकआउट, बट मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे स्टफ्स जो है महंगे लगे हैं। सो दैट वॉज जस्ट टू शेयर My experience with you all. So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। Till then keep loving, keep supporting guys. घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मसाला मेरा नीचे रह गया।